हरदोई में अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा हत्याकांड में शूटर और साजिश रचने वालों के बीच की कड़ी। 25,000 रुपए के इनामी शातिर को पुलिस ने शनिवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर फायरिंग करने के बाद भागते हुए शातिर के गिर जाने से उसका पैर टूट गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके पास से एक तमंचा, एक कारतूस बरामद हुआ। अधिवक्ता हत्याकांड में ये 8वीं गिरफ्तारी है। घटना में सामने आए सभी आरोपियों की अब गिरफ्तारी हो गई है। शहर में सिनेमा चौराहे के पास वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा की 30 जुलाई को उनके घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या आरोपियों में मुख्य शूटर रामसेवक राजीव और नीरज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। साजिशकर्ता सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष वीरे यादव, आदित्य भान सिंह, नृपेंद्र त्रिपाठी और शिखर गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अधिवक्ता को गोली मारने वाले रामसेवक की मुलाकात साजिश रचने वालों से कराने वाले रामू महावत की तलाश पुलिस कर रही थी। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। देखिये, विगत दिनों थाना कोतवाली शहर अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी। इसमें शहर के प्रतिष्ठित वकील थे श्री कनिष्क मेहरोत्रा, उनकी अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसमें अब तक पुलिस द्वारा 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसमें एक आरोपी अभियुक्त जो है रामू महावत, जो कि फरार चल रहा था, इसके ऊपर 25,000 का इनाम था। इसमें आज सूचना मिली मुखबिर से कि ये सदाई बेटा का जो निर्माणाधीन बाईपास है उसके आसपास उन्हें सूचना मिली। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, उसकी घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस द्वारा भी फायर किया गया। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, उसको तत्काल स्थानीय जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज कराया जा रहा है। इसमें उपरोक्त उल्लेखनीय बात यह है कि उससे विरुद्ध 17 से अधिक मुकदमे पूर्व में दर्ज हैं। इसमें पुलिस द्वारा सुविध अग्रिम विधि कार्रवाई कराई जा रही है। हत्याकांड में रामू महावत का क्या रोल था और अभी तक कितने आरोपी? देखिए, अब तक 7 आरोपी इसमें जेल भेजे जा चुके हैं। इसमें रामू महावत भूमिका ये थी कि इसके द्वारा जो है क्या नाम है सुपारी ली गई थी, सुपारी लेकर अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक घटना कार्य की गई।